अभी गर्मी भी शुरू नहीं हुई है और पानीपत की फैक्ट्री में आग लगने का सिलसिला लगातार शुरू हो चुका है। ये आज लगातार तीसरा दिन है जब आज फिर किसी फैक्ट्री में आग लगी है और आग तीनों ही फैक्ट्रियों में सुबह लगभग 8 बजे के आसपास लगी है। आग लगने से कॉटन गोदाम में रखे लाखों के माल को आग ने जलाकर खाक कर दिया। दमकल विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी है। गनीमत है कि आग से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर अभी पिछले 4 दिन पहले भी एक बड़ी मेजर फायर हुई है चिंतल मुलन में, आज ये दोबारा एक फायर है। ये सिंथेटिक यान है जिसमें एक बार फायर हो जाए तो बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन सा हो जाता है। नुकसान इतना ज़्यादा होता है जब तक सारा माल जल के ढेर नहीं हो जाता, रात नहीं हो जाता, इसे बुझाया नहीं जा सकता। अभी कितना नुकसान है इसका आकलन नहीं किया जा सकता। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।